ठीक है, हम लोग नेटवर्क सिक्योरिटी कल हमने स्टार्ट किया था और इसके 6 प्रिंसिपल देखे थे, या हम यूं कहें गोल ऑफ गोल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्फिडेंशियलिटी कॉन्फिडेंशियलिटी फिर आपके हैं आप ऑथेंटिकेशन थर्ड है आपके इंटीग्रिटी इनको समझेंगे हम नॉन रिप्यूटेशन एक्सेस कंट्रोल और अवेलेबिलिटी नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी हम जब अचीव कर रहे हैं हम चाहते हैं कि हमारा जो नेटवर्क है वो सिक्योर रहे, तो उसमें कम से कम ये चीज़ें हमें अवेलेबल हों। क्या चीज़ें अवेलेबल हों? जब हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक सेंड कर रहे हैं, अगर वो कॉन्फिडेंशियल डेटा है तो उसको कोई एक्सेस नहीं कर पाए या उसको बीच में कोई ले ना पाए। जिसके लिए मैसेज जा रहा है वो उस तक ही पहुँचे, कॉन्फिडेंशियली उस तक पहुँचना चाहिए। ठीक है, इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, आप चाहो तो उस पर एक आध लाइन अपने हिसाब से लिख लो। डेटा सेंडर रिसीवर तक डेटा कॉन्फिडेंशियली पहुँचे। पहुँचना चाहिए, हम प्रिंसिपल या गोल पढ़ रहे हैं तो क्या क्या होना चाहिए की बात कर रहे हैं। क्या क्या होना चाहिए? सेंडर जब डेटा भेज रहा है रिसीवर तक पहुंच रहा है तो कॉन्फिडेंशियली पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, पहला उद्देश्य हमारा ये है नेटवर्क सिक्योरिटी का कि सेंडर से रिसीवर तक डेटा कॉन्फिडेंशियली पहुँच जाए। नंबर दो, ऑथेंटिकेशन। जो डेटा भेज रहा है वो ऑथेंटिक होना चाहिए। रिसीवर जिसको डेटा भेजा जा रहा है वो ऑथेंटिक यूज़र होना चाहिए। ऑथेंटिकेशन मतलब जो भेजने वाला है, जैसे आपको बैंक का मैसेज आ रहा है, ठीक है, वो ऑथेंटिक है या नहीं ये पता चलता है किसी न किसी तरीके से। उसमें हमें ये देख, SBI का कोई मैसेज है, ठीक है, SBI का मैसेज जो आपके पास है वो हम जब मैसेज भेज रहे हैं वो ऑथेंटिक होना चाहिए। सेंडर जब मैसेज भेज रहा है तो ऑथेंटिकेशन उसका होना चाहिए कि सही जगह से मैसेज आया है, SBI का मैसेज। ऐसे कुछ लोग हैकर्स जो होते हैं वो SBI जैसी वेबसाइट बना के या SBI जैसा मैसेज बना के आपको भेजेंगे कि आपका ATM कार्ड जो क्या है उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई है, आप नया ATM कार्ड के लिए अपना कार्ड नंबर दें, आपका एक्टिवेट कर देंगे, ये कर दिया जाएगा। तो जो मैसेज है फ़ोन पे मैसेज दिया जा रहा है या कहीं से भी आपका मैसेज आ रहा है वो ऑथेंटिकेट सोर्स से आ रहा है या नहीं। दूसरा गोल क्या है कि जो मैसेज सेंडर भेज रहा है वो ऑथेंटिक सोर्स से आ रहा है या नहीं। ऑथेंटिकेशन की पहचान होनी चाहिए उसकी, जो मैसेज है वो ऑथेंटिक सोर्स से आना चाहिए, उसकी पहचान होनी चाहिए, उसको पहचाना जा सके कि ऑथेंटिक सोर्स से आया है। गलत जगह से आया है तो उसको अपन आइडेंटिफाई कर पाए, है ना। तो जब नेटवर्क सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं हम उसके प्रिंसिपल्स या उसको गोल्स की बात कर रहे हैं कि क्या क्या होना चाहिए। जब मैसेज भेजा जा रहा है, मुझे अगर SBI कोई मैसेज भेजती है आपका बैलेंस ये है, तो ऐसा तो नहीं हर कोई उसको एक्सेस कर पाए मेरे बैलेंस को, है ना। जिसका बैलेंस जिसको बताना है उस तक ही पहुँचना चाहिए, है ना। तो पहला तो है कि कॉन्फिडेंशियलिटी, मैसेज
सेंडर से रिसीवर तक पहुंच रहा है तो कॉन्फिडेंशियली पहुंचना चाहिए। दूसरा, सोर्स से अगर डेटा आ रहा है तो वो भी ऑथेंटिक होना चाहिए और उसकी पहचान होनी चाहिए कि डेटा सोर्स जो है वो ऑथेंटिक है, ठीक है। तीसरा, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी के केस में क्या होगा, जो डेटा भेजा जा रहा है या मैसेज भेजा जा रहा है, मैसेज जब नेटवर्क द्वारा भेजा जा रहा है तो मैसेज जो ओरिजिनली है वो बदले नहीं, तो मैसेज वो बदलना नहीं चाहिए, इसको कहा जाता है उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन है। जैसा था मैसेज ओरिजिनली बनाया गया था, वो ओरिजिनली मैसेज पहुंचा है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन है। अगर मैसेज बीच में से नेटवर्क से ट्रांसफर हो रहा है और बीच में बदल दिया जाए तो उस मैसेज का दुरुपयोग हो सकता है, मैसेज को बदला जा सकता हो तो उस मैसेज का दुरुपयोग हो सकता है। मैसेज जब नेटवर्क द्वारा भेजा जा रहा है तो मैसेज जो ओरिजिनली बनाया गया है वो बदलना नहीं चाहिए, इसका आशय यह है कि उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन है। नॉन रेप्यूटेशन, नॉन रेप्यूटेशन का मतलब ये है कि जैसे सेंडर ने मैसेज भेजा, ठीक है, कि सपोज़ आपके इतने पैसे काटे गए हैं या ये सर्विस चार्ज लगा है या वाट एवर, किसी सोर्स से मैसेज आया आपके अनुसार, उसके अनुसार आपने कोई एक्ट कर लिया, ठीक है, बाद में वो सोर्स का ये मैसेज तो हमने भेजा ही नहीं था, समझ पा रहे हैं, कि जैसे मैंने त्रिलोक को मैसेज भेजा कि मुझे नीड है 500 रुपये की, ठीक है, त्रिलोक ने 500 रुपये ट्रांसफ़र किए और बाद में कहा मैंने कब किए थे तुमसे, मैंने कब कहा था तुमको, समझ रहे हो बात को, तो इस बाद में बदल जाना, सोर्स से मैसेज आया है इसका मतलब ये है कि नॉन रेप्यूटेशन अचीव करने का मतलब ये है कि कोई भी सोर्स जो मैसेज भेज रहा है, ठीक है, उसके अनुसार यूज़र या नेटवर्क के दूसरे बंदे उसके अनुसार एक्ट कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, बाद में वो सोर्स ये कहे ये तो मैंने भेजा ही नहीं था आपको। तो नेटवर्क में ऐसे बहुत सारे एक्टिव, सपोज़ अपन अमेज़न से कुछ ख़रीदते हैं, अमेज़न से कुछ ख़रीद लिया, हमने ऑर्डर कर दिया, या अमेज़न से ऑर्डर पे कुछ ऐसा लिखा हुआ हो कि आप बदल सकते हो या ऐसा कुछ है, या ऐसा कुछ भी है, अमेज़न बाद में बदल जाए कि भाई ये चीज़ तो थी नहीं, नेटवर्क की प्रॉब्लम ये है कि जब आपके पास डेटा आ रहा है तो विद सिग्नेचर आए, वो बदल ही ना पाए, जो मैसेज आ रहा है, जब मैसेज आपको सोर्स से भेजा जा रहा है तो विद सोर्स के किसी सिग्नेचर के साथ आएगा मैसेज, जिससे सोर्स फ्यूचर में कभी भी डिनाई नहीं कर पाएगा। तो नेटवर्क के द्वारा जब ये गोल अचीव करना है तो आप इस तरीके से अचीव, ये हमें प्रिंसिपल अचीव करने हैं कि सोर्स बाद में बदले नहीं, जो मैसेज भेजा गया है सोर्स के द्वारा, जो मैसेज भेजा गया है सोर्स का सिग्नेचर या कोई उसकी आइडेंटिटी उस मैसेज के साथ संलग्न हो तभी उस पर काम किया जाए। जैसे हम ऑर्डर वगैरह देते हैं तो अमेज़न की आइडेंटिटी उसमें लगी रहती है, अमेज़न बदल नहीं सकता। सोर्स के साथ जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, पेटीएम के साथ कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो आइडेंटिटी लगी रहती है ना, ट्रांजेक्शन नंबर लगा रहता है, ट्रेन की टिकट बुक कराते हो
तो ऑथेंटिकेशन होता है ना कि सोर्स उसमें बदल ही नहीं सकता. क्यों बदल नहीं सकता? क्योंकि उसमें कोई ना कोई सोर्स की आईडी जुड़ी हुई है. ये तो हुए गवर्नमेंट चीज़ें या ऐसी कंपनी जो बदल नहीं सकती. प्राइवेट कंपनीज में तो बदला जा सकता है. तो जब मैसेज भेजे जा रहे हैं तो उस मैसेज में क्या होना चाहिए? सोर्स की आइडेंटिटी होनी चाहिए, उस मैसेज में इंक्लूड होनी चाहिए या सिग्नेचर इंक्लूड होना चाहिए. सोर्स का सिग्नेचर या आइडेंटिटी मैसेज में इंक्लूड होनी चाहिए जिससे उस मैसेज को बाद में डिनाई ना किया जा सके. इसका शॉर्ट में मतलब ये है, मैसेज में का या आइडेंटिटी इंक्लूड होती है जिससे सोर्स डिनाई नहीं कर सकता. कई बार हम ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं होता है, तो उसमें पूरी चीज़ें आइडेंटिफाइड होती हैं, गया नहीं गया, हुआ नहीं हुआ, फेल हुआ, तो इसमें डिनाई करने की संभावना ख़त्म हो जाती है. भाई नेटवर्क के थ्रू हम काम कर रहे थे लेकिन नहीं हुआ, ट्रांजेक्शन फेल हो गया, तो उसमें सेंडर रिसीवर दोनों की आइडेंटिटी प्रॉपर मैनेज है. नेक्स्ट है एक्सेस कंट्रोल. नेटवर्क पर यूज़र को, उन्हीं यूज़र को एक्सेस दिया जाए जो ऑथेंटिकेट हो. ठीक है, लास्ट, नेटवर्क पर जब भी हम काम करना चाहें डेटा अवेलेबल हो. अभी जैसे हम मोबाइल से जुड़े रहते हैं, आपका 10 मिनट के लिए नेट ख़राब हो जाए तो परेशान हो जाओगे, नहीं हो जाओगे? ईमेल हम देखना चाहते हो, ईमेल को देख ही नहीं पा रहे, कोई अर्जेंट ईमेल आया है. तो नेक्स्ट गोल हमारा ये होता है कि नेटवर्क पर जो डेटा है या नेटवर्क पर अवेलेबिलिटी हमेशा रहे.
ठीक है, क्लियर है। नेटवर्क पर अवेलेबिलिटी हमेशा मिले, जब भी यूज़र एक्सेस करना चाहे नेटवर्क को एक्सेस कर पाए, ये हम चाहते हैं कि नेटवर्क पर जो भी हम काम करें सिक्योरिटी, हमें ये सारे गोल उसमें मिलने चाहिए। कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, ऑथेंटिक सोर्स से इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए, मैसेज जब जा रहा है उसमें बदलाव ना हो, नॉन रेप्यूटेशन, सोर्स बाद में बदले नहीं कि मैंने मैसेज भेजा था, एक्सेस कंट्रोल, तो मैसेज में क्या होना चाहिए, कुछ उसका आइडेंटिटी और सिग्नेचर जुड़ा होना चाहिए, वो बदल ही ना पाए। भाई आप अमेज़न पे ऑर्डर करते हो तो कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है ना, अमेज़न की आईडी, ट्रांजेक्शन आईडी, पेटीएम पे कुछ करते हो तो पेटीएम की आईडी जुड़ी हुई है ना, वो बदल नहीं सकते, आईडी जुड़ी हुई है, सिग्नेचर जुड़ा हुआ है उसका, वो चाहे तो नहीं बदल सकते, है ना। तो वो सारी चीज़ें भी अपने को नेटवर्क के थ्रू जब मैसेज भेजे जा रहे हैं तो डेटा भेजा जा रहा है उसमें वो चीज़ होनी चाहिए। नॉन रेप्यूटेशन वाली फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए कि सोर्स बाद में बदले नहीं उस चीज़ से। एक्सेस कंट्रोल वही यूज़र एक्सेस कर पाए जिन्हें ऑथेंटिकेट हैं, जिन्हें हमने राइट्स दे रखे हैं। अवेलेबिलिटी नेटवर्क को जब हम चाहें एक्सेस वो हमें मिल जाए, ऐसा नहीं कि बंद पड़ा है नेटवर्क, नेटवर्क पे अवेलेबिलिटी मिली हमें। ये सिक्योरिटी से क्यों कनेक्टेड है, कई बार नेटवर्क हैक कर लिया जाता है इसलिए आपको अवेलेबल नहीं हो पाता है। आप बैंक को एक्सेस करना चाह रहे हो लेकिन आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, बैंक के डेटा को हैक कर लिया गया या आपके अकाउंट्स को हैक कर लिया गया, तो वो हमेशा इतना सिक्योर होना चाहिए कि नेटवर्क पे आप अवेलेबिलिटी या आप अपना काम को आप कर पा गए, ठीक है। ये सिक्योरिटी के कंसर्न में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं सिक्योरिटी आज की तारीख में ज़रूरी क्यों है। पहले के मैटर पे हम कहें तो मशीन को सिक्योर करना काफ़ी था, मशीन को सिक्योर किया क्योंकि आप स्टैंड अलोन मशीन पर काम कर रहे थे, किसी से जुड़े हुए नहीं थे। अब नेटवर्क से जुड़े हुए हो और नेटवर्क से जुड़े होने के कारण सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि नेटवर्क के द्वारा आपके पास वायरस, वॉर्म और ये बहुत सारी चीज़ें, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, एडवेयर, जो डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जिसको हम स्टेप बाय स्टेप अभी पढ़ेंगे कि ये सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स कहाँ से मिलते हैं, अपने को सामान्यतः नेटवर्क से ही मिलते हैं, ठीक है। इसीलिए ये नेटवर्क सिक्योरिटी वाला मैटर जो है या बिंदु जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आ जाते हैं वायरस क्या होता है। वायरस क्या होता है, पता हो तो बताओ। हाँ, अब सामान्यतः तो यही है कि कुछ ना कुछ खराबी करेगा, है ना। अब अपने को ये देखना है कि कितने टाइप के होते हैं, किस किस टाइप से उसकी कैटेगरी बनी हुई है। वायरस बेसिकली आप देखें, यह अपनी प्रतिकृति बना सकता है, जिसको कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग। अपनी प्रतिकृति बना सकता है, मीन्स मल्टीपल होता जाता है। ह्यूमन बॉडी में भी वायरस क्या होते जाते हैं, मल्टीपल होते जाते हैं, ह्यूमन बॉडी से अटैच होने पर मल्टीपल होते जाते हैं। तो यहाँ पर यह होस्ट अपनी प्रतिकृति बना सकता है रेप्लिकेट करने के लिए, करने व वह दुर्भावनापूर्ण कार्यों को करने के लिए वायरस को होस्ट प्रोग्राम मेजबान की ज़रूरत होती है।
वायरस जो है किसी न किसी exe फाइल, कॉम फाइल, सिस फाइल किसी न किसी से अटैच होगा, वो रेप्लिकेट होगा, और रेप्लिकेट करने और एग्जीक्यूट करने के लिए जब आप उस फाइल से अटैच हो गया, जब उस फाइल को चलाओगे तो ये अपना काम करना चालू करेगा। क्या काम करना चालू करेगा? डिस्क के डेटा को डिलीट कर देगा, फाइलों को डिलीट कर देगा, या इसमें जो भी और इस तरीके की कोडिंग कर रखी हो, है ना। तो इसमें क्या है, एक तो रेप्लिकेट कर रहा है और उसको एक होस्ट प्रोग्राम की ज़रूरत है। वायरस एक तो रेप्लिकेट कर रहा है, खुद रेप्लिकेट होता रहेगा, एक के दो, दो के चार, दो के पाँच, छः, इस तरीके से बढ़ता जाएगा, ठीक है। और एक किसी ना किसी प्रोग्राम से अटैच होगा, एमएस वर्ड के प्रोग्राम से जुड़ गया, उसकी exe फाइल से जुड़ गया, आपने एमएस वर्ड खोला तो उसने अपना काम करना पीछे से चालू कर दिया। क्या क्या गलत काम करता है? फाइल को इन्फॉर्मेशन डिलीट करना, फाइल को डिलीट करना, दूसरी फाइलों के साथ अटैच हो जाना। क्या क्या काम कर सकता है ये? हार्ड डिस्क, इन्फो गो, हार्ड डिस्क इन्फो डिलीट करना, फाइल्स डिलीट करना, तीसरा दूसरी फाइल्स के साथ अटैच हो जाना, ये इसके दुर्भावनापूर्ण कार्य जो हैं उनको ये कब करता है? होस्ट के सक्रिय होने पर, होस्ट प्रोग्राम या होस्ट फाइल, जिस फाइल से ये जुड़ा हुआ है उस फाइल को जब आप चलाते हो तब ये अपने काम करना चालू करता है। नेक्स्ट आ जाओ वायरस के टाइप्स पे। यह वायरस मेमोरी में रहता है, यह वायरस मेमोरी में रहता है, ऑपरेटिंग टाइप है ये मेमोरी रेसिडेंट वायरस, जो मेमोरी में जाके रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मेमोरी से फाइल पर जब कार्य किया जाता है तो यह वायरस एक्टिव होता है। ये मेमोरी में पड़ा हुआ है, फिलहाल कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है। मेमोरी पर जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल लेता है, काम करता है, तब ये एक्टिव हो जाता है। एक्टिव हो जाता है और फाइल को संक्रमित कर देता है।
तो नेक्स्ट है नंबर सेकंड प्रोग्राम 5 वायरस। ये वायरस के टाइप्स हैं, पहला मेमोरी रेसिडेंट वायरस, दूसरा प्रोग्राम 5 वायरस। यह प्रोग्राम 5 .com .6 .exe फाइलों को फाइल्स को संक्रमित करता है। ये प्रोग्राम फाइल्स हैं जिनका एक्सटेंशन है सिस्टम फाइल है, .com फाइल है, command.com फाइल होती है, सिस्टम फाइल्स होती हैं विंडोज़ की .sys नाम से, एग्जीक्यूटिवल फाइल्स होती हैं, उनको ये संक्रमित करता है। तो थर्ड टाइप है बूट सेक्टर वायरस। थर्ड टाइप लिखो इसका, मिटा दूं क्या? बूट सेक्टर वायरस। यह बूट सेक्टर पर रहता है जब बूटिंग की जाती है तो यह वायरस एक्टिव हो जाता है। इसके टाइप में देखो आप, पहला टाइप आपने कौन सा लिखा, मेमोरी रेजिडेंट, दूसरा टाइप आपने कौन सा लिखा, प्रोग्राम फाइल, तीसरा टाइप आपने कौन सा लिखा, बूट सेक्टर वायरस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाए, बूट सेक्टर वायरस क्या होता है, जो बूट सेक्टर में रहता है बूटिंग के टाइम एक्टिव हो जाता है। प्रोग्राम फाइल वायरस क्या है, जो प्रोग्राम फाइलों को ही रखता है। मेमोरी रेजिडेंट वायरस क्या है, जो मेमोरी में पड़ा रहता है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी से किसी फाइल को लेता है या काम करता है तो उस फाइल को ये संक्रमित कर लेता है। तो ये क्या, इसके टाइप्स भी पता होने चाहिए वायरस के। सिक्योरिटी में ये वायरस वगैरह तो आएगा ही, और शायद आपके दिया हुआ भी है सिलेबस में वायरस। ठीक है, बूट सेक्टर वायरस हो गया थर्ड वाला, बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस के बाद आप लिखें फोर्थ टॉपिक, लिखें मैक्रो वायरस और ईमेल वायरस। यह डॉक्यूमेंट फाइलों से अटैच होता है। पांचवा ईमेल वायरस, संक्रमित ईमेल को खोलने पर संक्रमित ईमेल कहा जाए या कुछ ईमेल बनाई इसलिए जाती हैं उस पर क्लिक करो तब वो एक्टिव हो जाता है। हाँ, लिंक आता है और उस पर आप क्लिक करते ही वायरस आपके डाउनलोड हो जाता है। मेल वायरस में आएगा, जो भी ईमेल के थ्रू फैल रहा है वो ईमेल वायरस हो गया। मैक्रो वायरस जो डॉक्यूमेंट फाइल्स से अटैच हो रहा है और फैलता है। मैक्रो वायरस, प्रोग्राम वायरस, मेमोरी वायरस, बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस अक्सर पूछा जाता है कि बूट सेक्टर पे रहता है और बूटिंग के टाइम एक्टिव हो जाता है।
मेमोरी रेजिडेंट भी पूछा जाता है, मेमोरी में रहा हुआ है, पड़ा हुआ है। ईमेल वायरस, ईमेल के द्वारा प्रसारित होने वाला वायरस, ठीक है। नेक्स्ट वायरस के बाद आ जाता है वॉर्म, WORM। वायरस क्या है, वॉर्म क्या है भाई, है तो सब गलत काम करने वाले, ठीक है। अब इनमें क्या टेक्निकली कोई फ़र्क है, इसमें होस्ट चाहिए, वायरस को होस्ट चाहिए। होस्ट मतलब, होस्ट मतलब एक फाइल चाहिए जिससे वो अटैच होता है तभी काम करता है। मतलब कोई ना कोई फाइल है जिससे ये अटैच है, उसको ओपन करेंगे तो एक्टिवेट होगा, तो ही वो रेप्लिकेट करेगा, नहीं तो वो पड़ा हुआ है चुपचाप, ठीक है। वो रेप्लिकेट हो रहा है पर होस्ट की भी ज़रूरत नहीं है उसको। ऐसे फ़र्क है इनमें, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे फिर तुम्हारे, क्योंकि सिक्योरिटी में ये वायरस, वॉर्म और ये डिफरेंट टाइप की चीज़ें आएंगी, है ना। इसकी बस छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के ऑब्जेक्टिव बनेंगे इसके। अब काम तो सारे गलत, सबके गलत ही करने हैं इनको, फाइलें डिलीट करनी है, डेटा चुराना है, कुछ ना कुछ फाइलों को करप्ट करना है ना। ये तो दुर्भावना से ही बनाई गई चीज़ें, ये इंटेंशनली भी बनाई जाती हैं। हाँ हो सकता है वो काम, जैसे आप exe फाइल या कॉम वायरस है ना, या आपके ये मैक्रो वायरस है, फाइल से अटैच हो गया तो आप, आपको खोल नहीं दे रहा है उस फाइल को, आप खोल ही नहीं पा रहे हो, जब खोगेगा ही नहीं एडिट भी नहीं होगा, फाइलें करप्ट हो जाती हैं। तो काम यही करते हैं वायरस बॉम्ब, तो उनका काम यही है कि कहीं ना कहीं परेशान करना, कुछ तो इंटेंशनली परेशान करते हैं, परेशानी बताते हैं, उसका सॉल्यूशन भी बताते हैं और सॉल्यूशन के लिए पैसे भी लेते हैं। मतलब ऐसे वायरस भी हैं जिनका भी टाइप है, ठीक है। तो अब वो सारी कैटेगरी हम पढ़ेंगे एक एक करके, देखो वॉर्म WORM। सबसे पहले हमने पढ़ा वायरस, वायरस को एक होस्ट प्रोग्राम की जरूरत है, किसी ना किसी फाइल की जरूरत है जिससे वो अटैच होता है, रेप्लिकेट करता है और फिर ये सारे काम करता है। फिर इसके टाइप देखिए, मेमोरी रेजिडेंट है, मेमोरी रेजिडेंट के बाद बूट सेक्टर है, मैक्रो है, प्रोग्राम फाइल वायरस है और ईमेल वायरस है। तो वायरस के कुछ टाइप हो गए, ठीक है। मेमोरी रेजिडेंट और बूट सेक्टर वगैरह बार बार पूछा जाता है। मेमोरी रेजिडेंट जो मेमोरी में बैठा हुआ है, लेकिन काम कब करेगा, जब ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी से कोई फाइल उठाएगा करेगा तो उस फाइल पर अटैच हो जाएगा और फिर एप्लीकेट करेगा, और ये जो ये फाइल को डिलीट करना, फाइल को करप्ट करना, है ना, करप्ट हो जाती है फाइल, खुलती नहीं है, तो ये सारे काम करेगा। फिर आ जाता है आपके वॉर्म, WORM। वायरस का टाइप नहीं है, ये अगर कैटेगरी है, वॉर्म अगर की कैटेगरी है, वायरस का टाइप नहीं है ये, वायरस का टाइप पड़े अपन ने। अब वॉर्म अगर चीज़ है, जैसे आप इंसानों में बीमारियां पढ़ते हो ना, तो एक तो होता है वायरस, एक होता है जीवाणु, है ना। तो वायरस और जीवाणु अलग अलग होते हैं कि नहीं होते हैं, तो ये भी अलग अलग है। वो मगर कैटेगरी है भाई, है तो बीमारी, एक तरीके का वायरस नहीं, कंप्यूटर की बीमारी है ये। अब ये बीमारी का टाइप देख रहे हैं, इसके क्या टाइप है, इसका ये टाइप है कि इसको होस्ट प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है, वॉर्म को होस्ट प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है। यह भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग है,
सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब स्वयं की प्रतिकृति बना सकता है, हिंदी में कहे तो। यह होस्ट के प्रोग्राम के बिना ही एक्टिव हो जाता है। और निष्पादित करता है। दुर्भावना का मतलब गलत काम, मैंने इंटेंशनली कुछ काम गलत करना है, इसका इंटेंशन ही कुछ गलत काम करने का है ना। इंटेंशनली गलत काम किए जाए इंग्लिश में कहें तो, मतलब ये वॉर्म वायरस काम तो गलत ही करेंगे, अब उसको हिंदी में क्या कहें, इंटेंशनली गलत काम करना, बने हुए ही इसलिए हैं कि इंटेंशनली गलत काम करना है इनको। हाँ यूँ कह सकते हो, कंप्यूटर को हानि पहुंचाने वाले कार्य, कंप्यूटर डेटा को हानि पहुंचाने वाले कार्य को पूर्ण करता है। कंप्यूटर हुआ, डेटा हुआ, फाइल हुई, साथ ही यह नेटवर्क पर सेल्फ प्रसार करता रहता है, साथ ही यह नेटवर्क से प्रसारित होता है जिसे विनाशकारी परिणाम आते हैं। अब इसको होस्ट भी नहीं चाहिए, नेटवर्क से प्रसारित होता जा रहा है, और जहाँ जहाँ प्रसारित होता जाएगा ये काम गलत करता जाएगा, कंप्यूटर डेटा उन सारी चीज़ों को हानि पहुँचाता जाएगा। वॉर्म के बाद लिखो टॉर्जन होर्स, टॉर्जन होर्स, ट्रोजन होर्स, मिटा दूँ क्या इसको, यह सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं है, अब देखो वायरस सेल्फ रेप्लिकेटिंग था, वॉर्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग था, यह सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं है। यह लीगल वैध प्रोग्राम की तरह लगता है,
गगन तू एग्जीक्यूट होने पर इलीगल गतिविधियों व हानिकारक गतिविधियों को पूर्ण करता है। जैसे पासवर्ड चोरी करना, हार्ड डिस्क के डेटा को डिलीट करना, आदि। मतलब ये इस तरीके से कंप्यूटर में एग्जिस्ट करता है। यहाँ नेटवर्क के थ्रू आ गया है, ईमेल के थ्रू आ गया है, आपको तो पता ही नहीं चल रहा है, रेप्लिकेट भी नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ये लीगल पड़ा हुआ है और आप देख भी अगर उसको गए हो तो ये लीगल दिखता है। आप कोई फाइल करके आपके पास आ गई है या डाउनलोड हो गई है, लीगल पड़ा हुआ है, और जब ये एक्टिवेट होगा जैसे ही, तो काम क्या करेगा, पासवर्ड चुराने का काम करेगा। जैसे आप कुछ डाउनलोड कर रहे हो किसी प्रोग्राम को नेट से, ठीक है, ये सोच के डाउनलोड कर रहे हो कि ये स्पीड को बढ़ाएगा, मेमोरी क्लीन करेगा या कुछ और करेगा। आपके मोबाइल में भी आते हैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें, मेमोरी क्लीन कर लो, ये डाउनलोड कर लो, आपकी स्पीड बढ़िया हो जाएगी। आपको लग रहा है कि गीगल चीज़ है और आपने मेमोरी क्लीन करने, स्पीड करने के लिए उसको बुला लिया, ठीक है। पर जब ये काम करता है तो उसके पीछे कुछ इंटेंशन है। आपको दिख तो गीगल रहा है, दिख आपको रहा है कि ये सही काम करेगा, लेकिन सही काम नहीं करता है, उल्टे काम करता है। समझ रहे हो बात को? रेप्लिकेट भी नहीं कर रहा है, आपको दिख भी वेद रहा है, लीगल दिख रहा है। लीगल दिख रहा है मतलब आपको मैसेज देगा, आपको मेमोरी क्लीन करनी है तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, है ना, मेमोरी क्लीन करो। और मेमोरी क्लीन करने की बजाय आपकी हार्ड डिस्क से डेटा को चुरा रहा है, फाइलों को चुरा रहा है, या आप जो एक्टिविटी कर रहे हो उसका पासवर्ड आपका नोट कर लेगा, इसकी गलत एक्टिविटी चालू हो जाएगी। ये आपको धोखा कैसे दे रहा है, लीगल बन के। आपको लग रहा है कि लीगल है पर वो है नहीं। आगे बात समझ में? तो एस टाइप की चीज़ को क्या कहेंगे, ट्रोजन हॉर्स। वायरस पढ़ा हमने, वॉर्म पढ़ा, तीसरा क्या पढ़ा, ट्रोजन हॉर्स। वायरस क्या है, रेप्लिकेट कर रहा है अपने उसके साथ, प्रोग्राम फाइल के साथ, उसको मेजबान चाहिए। वॉर्म को मेजबान भी चाहिए, अपने आप फैलता जा रहा है नेटवर्क के थ्रू, है ना। और ट्रोजन हॉर्स आपको लीगल दिख रहा है लेकिन काम गलत कर रहा है। फिर आ जाओ उसके बाद, ट्रोजन हॉर्स के बाद स्पाईवेयर एंड एडवेयर। स्पाईवेयर एंड एडवेयर इस तरीके का एक तरीके से प्रोग्राम है, या जो क्या कर रहा है कि आपके डेटा, आपके नेटवर्क, आपकी एक्टिविटी
वो चुपचाप देखता रहता है और बाद में थर्ड पार्टी को दे देता है। एग्जांपल बता सकते हो इसका? जैसे कई बार ही कहा जाता है कि फेसबुक गूगल आपके डेटा को देखते रहते हैं और ये डेटा किसी और को दे देते हैं, है ना। थर्ड पार्टी को देने से क्या फ़ायदा होता है? थर्ड पार्टी को क्या इंटरेस्ट है आपके डेटा में? नहीं, क्या इंटरेस्ट है उसको? थर्ड पार्टी को आपके डेटा में क्या इंटरेस्ट है बताओ? कॉमन सेंस लगाओ। आपके बिजनेस में आजकल जो ई कॉमर्स का बिजनेस हो रहा है उसमें आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? जनरली क्या होता है कि आज जैसे हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो हमें डेटा चाहिए स्टूडेंट्स का, ठीक है। अब इस तरीके से दुनिया भर की कंपनी है, कौन स्टूडेंट है पता चल जाएगा आपके मैसेजेस से। आपका डेटा फेसबुक पे लिखा हुआ है ना कि आप बीकॉम पढ़े हुए हो, आप कौन से यूनिवर्सिटी के हो, आप बीटेक हो, स्टूडेंट का डेटा मिल जाएगा। आप क्या करते हो, आपका क्या प्रोफेशन है, ये मिल जाएगा। नंबर वन। नंबर टू, कई बार आप जो वेबसाइट्स गूगल पे जितनी भी वेबसाइट खोलते हो, रोज़ जो एक्टिविटी कर रहे हो, उस एक्टिविटी को इंस्पेक्ट करके ये अनुमान लगाया जा सकता है कि पर्टिकुलर इस एरिया में अगर कोई कंपनी है, सपोज़ कि कोई भी बिजनेस की कंपनी है, कपड़ों की कोई कंपनी है, तो कपड़े किस ब्रांड के, किस टाइप के, किस चीज़ को बेचा जा सकता है। आप एक एग्जांपल देखना, कभी किसी वेबसाइट पे जाके कोई जूता, कपड़े, पर्स, बैग देख गए ना, फिर वही वही चीज़ें खुलती रहती हैं। तो ये क्या होता है, आपका डेटा चुराया गया, थर्ड पार्टी को बेचा गया। फिर लोगों के काम आता है आपका डेटा कि नहीं आता है? तो ये स्पाईवेयर टाइप का जो प्रोग्राम है, ये क्या करता है कंप्यूटर, ये तो क्या है, ये तो हम सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं कि सिंपल बिजनेस हो रहा है। कई बार कंपनियों का इंटरनल डेटा को देखना, फिर दूसरी कंपनियों को थर्ड पार्टी को बेच देना, भाई जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके डिज़ाइनिंग, उनकी चीज़ें, उनकी इंटरनल पॉलिसी, बहुत सारी चीज़ें आप देखता रहे कोई और फिर बाद में किसी थर्ड पार्टी को बेच दे। तो स्पाईवेयर के टाइप का है कि पहले तो अंदर आके ये सारी चीज़ों को चुपचाप देख रहा है, आपके नेटवर्क को देख रहा है, आपके डेटा को देख रहा है, आपकी फाइलों को देख रहा है और फिर थर्ड पार्टी को बेच रहा है, ठीक है। स्पाईवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर की परमिशन के बिना उसके डेटा को देखता है यूजर की ऑनलाइन एक्टिविटी के डेटा का संग्रहण कर थर्ड पार्टी को बेचता है। ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट रो एडवेयर क्या होता है, मिटा दूँ ये।
नेक्स्ट टॉपिक है एडवेयर। यूजर के डेटा नेटवर्क तक पहुंचकर विज्ञापन प्रदर्शित करता है। एडवेयर बेसिकली लीगल एड नहीं है कि भाई जैसे लीगली गूगल पे जो ऐड दिख रहे हैं, कुछ लीगल होते हैं, कुछ क्या होते हैं, वेबसाइट खोलते ही अपने आप इलीगल चलने लग जाते हैं, आपको मैसेज देते हैं कि मेमोरी क्लीन करने के लिए डाउनलोड करो। तो ये एडवेयर सॉफ्टवेयर हैं जो इंटेंशनली बनाए गए हैं यूज़र, और कुछ ऐड तो क्या होते हैं, आपको लीगली दिखते हैं, जैसे आप यूट्यूब पे जाते हो तो कुछ ऐड बीच में आ गए तो लीगली ऐड है, ठीक है। कुछ वेबसाइट पे आप गए, वो वेबसाइट तो खुलना बंद हो गई, आप जो काम कर रहे थे वो तो खुलना बंद हो गई, कुछ और खुल जाता है तो वो एडवेयर है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? कोई वेबसाइट आप काम करना चाह रहे हो, वो वेबसाइट तो खुल नहीं गई, कुछ और खुल जाता है और आप उस पर अटक गए कि उसका विज्ञापन दिख गया, फिर कहा कि आप उसको डाउनलोड करो, उसको डाउनलोड करो, तो वो एडवेयर है, वो बीमारी एक तरीके से, और ज़बरदस्ती घुसी हुई बीमारी है ना। यूज़र के डेटा नेटवर्क तक पहुँच कर विज्ञापन प्रदर्शित करता है ना। कई बार ही एक तरीके से मैसेज देता है कि अगर आपको ये करना है तो आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिए, है ना। तो इस तरीके से आप लिखिए विज्ञापन प्रदर्शित करता है एवं सजेशंस देता है, डाउनलोड करने के लिए कहता है, प्रोग्राम डाउनलोड करने के लिए कहता है, सजेशन देगा कि आप उसको प्रसारित करो, उसको डाउनलोड करो, ये सब एडवेयर में आ जाते हैं, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट लिखो रूट किट। ये प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टैंडर्ड कैपेसिटी को बदल देते हैं। स्टैंडर्ड कैपेसिटी या इसको हिंदी में कहें कार्य क्षमता, ये कैसे बदलेंगे? देखो ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ फाइलें सिस्टम फाइल्स होती हैं जिसमें आप कितनी फाइलों को एक साथ खोला जा सकता है ना, कितनी वर्चुअल मेमोरी की स्पेस को यूज़ किया जा सकता है, किस नेटवर्क से कितना स्पीड तक काम किया जा सकता है, बिट्स पर रेट की स्पीड क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आपके मोबाइल में सेटिंग्स होती हैं, सेटिंग्स करते हो ना आप कि 10 मिनट में लॉक लग जाए, इतने मिनट में ये हो जाए, डिस्प्ले की स्पीड ये हो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कुछ ना कुछ सेटिंग्स होती हैं। कुछ फाइलें ऐसी हैं कि इनकी ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग्स को, सेटिंग वाली फाइलों को जाके बदल देगा तो उसकी कार्य क्षमता प्रभावित हो जाएगी।
जो इंटेंशन होगा उसका कि नेटवर्क स्लो हो जाए, नेटवर्क पे काम नहीं कर पाए, फाइलें नहीं खुलें, काम स्लो हो जाएगा, या जो भी उसका उसकी कार्यक्षमता प्रभावित करनी होगी ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसका इंटेंशन तो गलत ही है। अब ये उसको और कोई तरीका नहीं आ रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलों को डिस्टर्ब करने का तरीका आता है, किसी ना किसी का तरीके से कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करना है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम की नेटवर्क क्षमता को कम कर दिया जाए, या इस तरीके की फाइल आने ही नहीं दी जाए, या इस तरीके की फाइल जाने ही नहीं दी जाए, तो हानि हो गई ना। वो तो ये क्या कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलों को कैपेसिटी में जाके चेंज कर रहा है। मेमोरी में फाइलें कितनी खुल सकती हैं, प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम को चलने ही नहीं दे, पर्टिकुलर ये वाली फाइल ना चल पाए, है ना। तो ऐसे कुछ जाके चेंजेस कर देगा, तो वो किस टाइप का हो गया, रूट किट टाइप का हो गया। आप नेक्स्ट लिखो, एक्टिव कंटेंट के द्वारा फैले जाने वाले एक्टिव कंटेंट क्या होते हैं पहले तो ये बताएं। एक्टिव कंटेंट के द्वारा वायरस या शीएस प्रोग्राम्स, एक्टिव कंटेंट क्या होते हैं, वेबसाइट और नेटवर्क पर कुछ सर्विस आप डाउनलोड करते हो, या कई बार ही आपको ये बताया जाता है कि आप कुछ प्रोग्राम C++ में बना लिया, किसी और प्रोग्रामर ने कुछ प्रोग्राम जावा में बना लिया, देन उसको आप नेटवर्क पर भेजकर प्रोग्राम को जोड़ सकते हो, या कोई बना बनाया प्रोग्राम है उसमें कुछ चीज़ें सर्विस ऐड की जा सकती हैं, तो उनको कहा जाता है एक्टिव कंटेंट, जो दूसरे में जुड़ के प्रोग्राम को बढ़ा सकते हैं। एक प्रोग्राम पहले बना हुआ है और दूसरे प्रोग्राम की सर्विस, बने बनाए प्रोग्राम की सर्विस आपने उसमें जोड़ दी, या आपके गूगल इसमें ब्राउज़र में भी आपने नोटिस किया होगा एड ऑन किए क्या, ये ऐड करना है, प्लग इन है ना, ये चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं। प्लगइन क्या होते हैं, एक्टिव कंटेंट हैं, जुड़ के फिर अपना काम करने लग जाएंगे, ठीक है। तो उसमें भी वायरस और मैलिशियस प्रोग्राम्स उसके थ्रू भी आ सकते हैं। इसके लिए आप लिखें कंटेंट एक तरीके से बने बनाए छोटे प्रोग्राम हैं जो वेब सर्विस की तरह वेब पेज में कहीं जुड़ के अपना सर्विस दे रहे हैं। नेक्स्ट टर्म है
जॉम्बी एंड बॉटनेट, जॉम्बी एंड बॉटनेट। ज़ॉम्बी कंप्यूटर वे कंप्यूटर हैं जिन पर ओनर की मर्जी के बिना डेटा नेटवर्क पर छेड़छाड़ या एक्टिविटी की जा रही है। ओनर को पता नहीं है और वायरस या किसी के द्वारा उस पर काम किया जा रहा है, तो ऐसे कंप्यूटर को ज़ॉम्बी कंप्यूटर कहा गया है। फिर बॉटनेट क्या चीज़ है? जो ज़ॉम्बी कंप्यूटर्स के नेटवर्क से बना है हमलावर के द्वारा, इस नेटवर्क को रिमोट से संचालित किया जा रहा है। टाइप वाइप कर रहा है या नहीं? कितने क्वेश्चन किए? 50। मतलब ये है कि हुई है, लेकिन उसमें क्या नेटवर्क से कनेक्टिविटी भी है, रिमोट से संचालित हो रहा है। ज़ॉम्बी कंप्यूटर्स बनाए गए हैं, फिर उसका नेटवर्क बनाया गया है जिसको बॉटनेट कह गए हैं, और उसको रिमोट से संचालित किया जा रहा है। वायरस है, मलेशियस प्रोग्राम है, कुल मिला के ज़ॉम्बी कंप्यूटर्स उसको कह रहे हैं, उस पर वायरस या मलेशियस प्रोग्राम या जिस इंटेंशन से उसको बनाया गया है वो अटैक कर चुका है। फिर उन ज़ॉम्बी कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क बनाया गया है, ठीक है। जैसे सपोज मैं नेटवर्क पे जुड़ी हुई हूँ, मेरे कंप्यूटर पे अटैक हो चुका है, मुझे पता भी नहीं है, ठीक है। नेटवर्क पे जो अटैक हो रहा है और जो सारी चीज़ें हैं कोई रिमोट कंट्रोल से कर रहा है। जब भी मैं नेटवर्क ओपन करती हूँ, कोई उसको सर्च करता है, मेरी एक्टिविटी को देख रहा है, तो मेरा कंप्यूटर क्या हो गया? एक ज़ॉम्बी कंप्यूटर हो गया, ठीक है। ऐसा ही वो हमलावर दूसरे कंप्यूटर को भी सर्च कर रहा है, दूसरा भी जुड़ा हुआ है, तीसरा भी जुड़ा हुआ है। अब इन ज़ॉम्बी कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क बना हुआ है जिसको कौन कंट्रोल कर रहा है? जो नेटवर्क बना हुआ है उसको क्या कह रहे हैं हम? बॉटनेट। ज़ॉम्बी कंप्यूटर्स का जो नेटवर्क बना हुआ है उसको हम क्या कह रहे हैं? बॉटनेट। और उसका रिमोट किसके हाथ में है? अटैकर के हाथ में। भाई वायरस, वायरस तो क्या है कि कोई देख नहीं रहा उसको, चुपचाप पड़ा है, अपने आप काम कर रहा है। यहाँ पे ज़ॉम्बी कंप्यूटर्स बनाए गए हैं, ज़ॉम्बी कंप्यूटर्स मतलब कुछ काम हो गए, ठीक है। फिर ज़ॉम्बी कंप्यूटर्स आपस में नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो उसको कहा गया बॉटनेट। और रिमोट कंट्रोल से काम कौन कर रहा है इस पर? अटैकर ध्यान कर रहा है इसका। थोड़ा थोड़ा फ़र्क है इसमें, और फिर टेक्निकल नाम दे दिए गए हैं इसको थोड़े थोड़े फ़र्क पे।
ठीक है, अब एक दो नाम और लास्ट है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। फिर नेक्स्ट है आपका स्केयरवेयर। और रैंसमवेयर, जिसमें क्या होता है, आप ही की फाइल को आप ही नहीं खोल पा रहे हो, फिर आपको बता देंगे, आप तब खोल पाओगे जब हमको पैसा दोगे, है ना। ये लास्ट टॉपिक है इसका, है। और कई बार ही कहेगा कि एंटीवायरस हमसे खरीदो, ये आपके ख़राब हो चुका है, वायरस आ चुका है, एंटीवायरस हमसे ही खरीदो, तो ये आपका सॉल्यूशन है, अब खरीदना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो उसके क्या नाम अलग अलग दे रखे हैं, अब वो ऑब्जेक्ट टाइप में उस टाइप का क्वेश्चन पूछ के उसका नाम पूछ लेगा आपसे, बन जाएंगे इस पे क्वेश्चन, आसान चीज़ है, एक बार पढ़ लेना। इसके क्वेश्चन जरूर करना समझने के बाद, वायरस पे जितने भी क्वेश्चन बना गए, सिक्योरिटी पे, वायरस के, वॉर्म के, ये टाइप्स पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सिक्योरिटी में फिर उसके बाद दो चार चीज़ें होंगे जिसको कंप्लीट कर लेंगे हम। स्केयरवेयर कंप्यूटर और नेटवर्क की फाइलों को ये पहुंच गया कंप्यूटर नेटवर्क पे, आपकी फाइलों को आप ही नहीं खोल पा रहे हो, पर्टिकुलर किसी फाइल को उसने ब्लॉक कर दिया या नेटवर्क को ब्लॉक कर दिया, ओनर खुद ही नहीं खोल पा रहे, इसको रैंसमवेयर भी कहते हैं। यह फाइल्स को पैसा देने पर ही एक्सेस करने देता है। स्केयरवेयर, इसको कुछ कुछ जगह पे रेगुईवेयर भी कहा है, एक ही नाम है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ये नहीं पढ़ाया, सारे नाम पढ़ा दिए मैंने। स्केयरवेयर को ही रेगुईवेयर भी कह रहे हैं, और इसी में अगर वो पैसा वैसा ले रहा है तो उसको रैंसमवेयर भी कह रहे हैं, फिरौती मांगता है। कई बार ही सुना होगा कंप्यूटर पे आके फिर फिरौती जब तक नहीं दी जाए, पैसा जब तक उसके अकाउंट में नहीं दिया जाए, तब तक वो आगे आपके कंप्यूटर को काम नहीं करने देगा, और पैसा दे दो काम करने दे देगा। फिर है मोबाइल से फैलने वाले वायरस, सिंपली लिख लो, मोबाइल के द्वारा अगर वायरस फैल रहा है तो मोबाइल वायरसेस कहलाएगा। मोबाइल प्रोग्राम्स या मोबाइल डिवाइसेस के द्वारा फैलने वाले वायरस,
ये भी एक कैटेगरी है जो मोबाइल डिवाइस से फेल रही है। नेक्स्ट है मोबाइल डिवाइस या मोबाइल के जो सॉफ्टवेयर हैं उसके द्वारा फेंकने वाले। अगर मोबाइल आपके मोबाइल में वायरस है ना, कई बार ही कंप्यूटर का वायरस मोबाइल पे नहीं लगता है क्योंकि मोबाइल के एक्सटेंशन अलग होते हैं फाइलों के, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है ना, हो सकता है नहीं लगे। लेकिन अब जानबूझ के ऐसे वायरस बनाए गए हैं क्योंकि आपके मोबाइल की पिक्चर्स को अपने कंप्यूटर पर लगाते हो, आपके नेटवर्क को यूज़ करते हो, तो अब ऐसे वायरस डेवलप किए जा रहे हैं जो मोबाइल के थ्रू आसानी से फैल सकें। फिर जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी आती जाएगी, पहले मोबाइल कैसे थे हमारे पास, जो सिर्फ बात करने के काम आते थे, अब मोबाइल कैसे हैं जो ईमेल को यूज़ करते हैं, पिक्चर्स को सेंड करते हैं, नेटवर्क कनेक्ट करते हैं, आप इसको यूएसबी केबल से कंप्यूटर से जोड़ रहे हो। तो ऐसे वायरस जो मोबाइल पर पहले फैले हैं वो मोबाइल से कंप्यूटर पर फैले हैं। ओवरऑल इस टाइप की जो डिज़ाइनिंग की जा रही है कि मोबाइल डिवाइसेस और उनके प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए वायरस और बॉम्ब्स बनाए जा रहे हैं, अब वो मोबाइल वायरस हो गए। ओवरऑल बस थोड़ा बहुत ध्यान रखो इस टाइप की जो चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपका है लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब ये पूछा जा सकता है कई बार क्योंकि ये पुरानी चीज़ है। लॉजिक बॉम्ब बेसिकली इस तरीके का वायरस या बॉम्ब है या प्रोग्राम है मैलिशियस प्रोग्राम, वायरस, वॉर्म है, कुछ भी कह सकते हो, जो एक लॉजिक के पूरे होने पर ही एक्टिव होता है। जैसे मैंने दिया आज तारीख कितनी है, 23 20, मैंने लॉजिक दिया कि 25 तारीख आने पर एक्टिव होना, तो देखेगा सिस्टम की डेट 25 आ गई क्या, आज काम करना है। ये लॉजिक पूरा होने पर काम किया जाएगा। कोई एक्टिविटी का लॉजिक दे दिया गया, प्रोग्राम में कंडीशन लगा दी, देखो तब काम करना है। अगर ये यूज़र आए और उसकी फाइल आए, ये यूज़र इस नेटवर्क पे काम करे तो ही एक्टिव होना, बाकी सबको दिक्कत नहीं कर रहा है। पर्टिकुलर एक यूज़र नेटवर्क पे एक्टिव हुआ, उसके नेटवर्क से जुड़ गया, तारीख लगा दी इस तारीख पे काम करना है तो उस तारीख पे काम करेगा। तो ये मैलिशियस मतलब गलत काम करने वाला प्रोग्राम है ना, उसको मैलिशियस प्रोग्राम कह लो, वायरस कह लो, वॉर्म कह लो, है ना। इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना इन वर्ड्स को, उसके सारे वर्ड्स हैं, अभी अपन रिवीजन भी करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है। जो एक लॉजिक के पूर्ण होने पर ही एक्टिव होता है, जैसे किसी खास डेट पर एक्टिव होना, जैसे प्रोग्राम में लिख दिया गया ये तारीख आए तभी एक्टिव होना है। हो गया, फिर है ट्रैप डोर।
यह किसी प्रोग्राम में चुपके से इंक्लूड किया जाता है जो कि प्रारंभ में तो यूजफुल कार्य करता हुआ नजर आता है पर बाद में हानिकारक गतिविधियां पूर्ण करता है। एक लास्ट टॉपिक है वायरस हॉक्स। कोई भी मैसेज देगा आपके ये वायरस लग गया है कंप्यूटर में, है ना, और अगर ऐसा नहीं करते हो तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और मैसेज देगा कि आप सबको बता दो ये काम करो। इस टाइप की चीज़ों को कहा जाता है वायरस हॉक्स। एड में तो विज्ञापन है, एड क्या है, विज्ञापन। कई बार हाँ विज्ञापन आता है ना, लेकिन विज्ञापन कई बार ही दूसरी चीज़ों के लिए भी होता है। ये तो वायरस की तरह हुआ है ना, विज्ञापन किसी और चीज़ का भी हो सकता है। इस सॉफ्टवेयर को खरीदो आपके ये हो जाएगा, ये सॉफ्टवेयर डेटाबेस के लिए फ़ायदेमंद है। एडवेयर में विज्ञापन देना, ये चेतावनी दे रहा है और उसको फैलाने का सजेशन दे रहा है, एक डर पैदा कर रहा है, उस टाइप का है कुछ। ये कंप्लीट हो गया है, वायरस के डिफरेंट टाइप्स पढ़ लिए हमने, शुरुआत से इसको रिवीजन लेते हैं हम। फिर हम पढ़ेंगे फायरवॉल, फिर एथिकल हैकिंग, बैकअप एंड रीस्टोर, फिर आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी लगभग। एक दो टॉपिक और जानकारी के लिए बता दूंगी मैं आपको, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है ना, सिक्योरिटी से जुड़ी हुई चीज़ें, दो चार चीज़ें और पढ़ेंगे, एक आध दिन और चलेगी इसी क्लास। क्रिप्टोग्राफी बेसिकली ये होता है कि मैसेज को आप इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेज रहे हो, उसको कन्वर्ट करके भेज रहे हो। क्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी के द्वारा उसको क्या किया जाता है, इनक्रिप्शन किया जाता है उसका, मतलब उसको कोडिंग की जाएगी उसकी, जैसे जो मैसेज वो सिंपल मैसेज नहीं जाएगा, कोई बीच में पढ़ भी गएगा ना उसको समझ नहीं आएगा वो मैसेज, ठीक है। अभी अपन जो पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, नॉन रेप्यूटेशन होना चाहिए, ऑथेंटिकेट यूज़र ही उसको एक्सेस कर पाए,
है ना, सोर्स से जो डेटा आ रहा है वो भी ऑथेंटिक होना चाहिए, कि तो नेटवर्क सिक्योरिटी में कुछ चीज़ें होनी चाहिए, है ना। उन गोल्स को हमें अचीव करते हुए काम करना है, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, मैसेज को कोई बदल ना पाए। ये हो गया। अब आ जाते हैं वायरस पे। वायरस क्या चीज़ है? वायरस सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, प्रोग्राम है एक तरीके से। उसको होस्ट भी चाहिए, एक प्रोग्राम भी चाहिए जिससे अटैच होकर ये काम करता है। करेगा क्या? नुकसान का काम ही करेगा। हार्ड डिस्क को डिलीट कर देगा, करप्ट कर देगा, डेटा को करप्ट कर देगा, फाइलें डिलीट कर देगा। इस तरीके की एक्टिविटी वायरस करता है। फिर आपके मैंने वायरस के टाइप बताया, मेमोरी रेजिडेंट वायरस, जो मेमोरी में बैठा हुआ है चुपके से, जब OS कोई फाइल को उठाता है मेमोरी से तो उससे अटैच हो जाता है, उस पर एग्जीक्यूट करता है, काम करता है, ठीक है। फिर आपका मैंने बताया मेमोरी रेजिडेंट के बाद प्रोग्राम वगैरह वायरस, जो कॉम फाइलें, सिस फाइलें और exe फाइलों पर ही एग्जीक्यूट होता है। बूट सेक्टर वायरस, जब बूटिंग की प्रक्रिया करोगे तभी एग्जीक्यूट होगा। फिर नेक्स्ट बैक मैक्रो वायरस, मैक्रो वायरस जो डॉक्यूमेंट फाइलों पर लगता है ना, और ईमेल वायरस जो ईमेल के द्वारा फैल रहा है। ये तो वायरस के टाइप हो गए सामान्यतया, ठीक है। फिर वॉर्म, वॉर्म क्या है बेसिकली? जो रेप्लिकेट तो करता है पर उसको होस्ट की भी ज़रूरत नहीं है, है ना। तो इसको होस्ट की ज़रूरत नहीं है, रेप्लिकेट करेगा और नेटवर्क पे अपने आप फैलता जाएगा और विनाशकारी परिणाम गाएगा। वॉर्म वायरस से थोड़ा अलग हो गया। ट्रोजन होर्स रेप्लिकेट नहीं करता है, और क्या करता है? ट्रोजन होर्स क्या करता है? फिर आपकी जो हाँ रेप्लिकेट तो ये कर नहीं रहा है, तो क्या कर रहा है? ये आपको लगता है कि ये लीगल काम करेगा, लेकिन फाइनली ये इलीगल काम करने लग जाता है। ट्रोजन होर्स इस तरीके से आपके पास आया है कि ये आपको ऐसा लगता है कि ये लीगल काम करेगा, लेकिन फाइनली इलीगल काम करने लग जाता है। पासवर्ड को चुरा लेगा, है ना, हार्ड डिस्क को डिलीट कर सकता है, इलीगल काम करेगा। ट्रोजन होर्स हो गया। ट्रोजन होर्स के बाद स्पायवेयर और एडवेयर, जो यूज़र के बिना उसकी इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी को भेज रहा है ना। एडवेयर बीच में ऐड देना चालू कर देगा उसका खुद का इंटेंशन पूरा करने के लिए। फिर उसके बाद रूट किट, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। फिर और एक्टिव कंटेंट, जो आप वेब पेज से डाउनलोड करते हो, प्लगइन करते हो, एक फाइल को दूसरी फाइल में जोड़ सकते हैं, ऐसे जो एक्टिव कंटेंट होते हैं, इनके द्वारा फैलने वाले वायरस, प्रोग्राम, वॉर्म्स, ठीक है, वो उस कैटेगरी में आएंगे। एक्टिव कंटेंट वायरस हो गए, मोबाइल के द्वारा फैलने वाले वायरस हो गए, मोबाइल डिवाइस, मोबाइल प्रोग्राम्स उसके द्वारा जो फैल रहे हैं, और फिर जोम्बी और बॉटनेट। जोम्बी कंप्यूटर, वो कंप्यूटर हैं जिस पर एक तरीके से यूज़र को पता ही नहीं है, उसके अंदर उसने एक्टिविटी और सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रखा है, ठीक है। फिर जोम्बी कंप्यूटर का नेटवर्क बनाया गया है जिसको क्या कहा जा रहा है? बॉटनेट कहा जा रहा है। और बॉटनेट को कौन कर रहा है कंट्रोल? कोई बाहर से रिमोट कंट्रोल से उसको सारा काम कंट्रोल किया जा रहा है। फिर और बताओ, नेक्स्ट क्या पढ़ा आपने? स्केयरवेयर और रैनसमवेयर। स्केयरवेयर वायरस बेसिकली आपके वो वायरस हैं जो आपकी ही फाइलों को एक्सेस नहीं करने दे रहे, ठीक है, उनको अननेसेसरी इस तरीके से कर दिया कि वहाँ तक आप पहुँच ही नहीं पा रहे हो, बीच में कोई रुकावट डाल दी, है ना, और पहुँच सकते हो का रास्ता भी दे रहे हैं, तो वो रैनसमवेयर हो गया। पैसा दे दो, आप पहुँच जाओगे, आपकी फाइल को आप ही खोल पाओगे, काम कर पाओगे, ठीक है, तो वो रैनसमवेयर का टाइप हो गया। फिर आपके मोबाइल डिवाइस वगैरह, फिर लॉजिक बॉम्ब, पर्टिकुलर कोई लॉजिक पूरा होने पर ही काम करते हैं, जैसे ये डेट आ गई तो ही काम करना, ये यूज़र एक्टिव हो तो ही उसके नेटवर्क पे काम करना है। और ट्रैप डोर, जो चुपके से एक दरवाजे पे, जैसे कुछ अपन ने कोई दरवाज़ा खोला हो, कोई चुपके से अंदर घुस जाए ना, ये वगैरह मामला है, मतलब चुपके से घुस तो गया और फिर अपना एक्टिविटी करना, दिख रहा है कि भाई यूज़फुल काम कर रहा है। भाई अपन चुपके से घुसने किससे दे रहे हैं कि भाई प्रोग्राम बनाते वक्त चीज़ें, तो उस वक्त तो ये देखें कि भाई यूज़फुल काम करेगा,
है ना, लेकिन बाद में नहीं कर रहा है काम चुपके से, मतलब सही काम नहीं कर रहा है। वायरस हॉक्स गलत वायरस की चेतावनी मैसेज फैलाने का, डर फैलाने का काम करने का कुछ हो तो उसको क्या कहा जाएगा, वायरस हॉक्स। तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ वायरस और वॉर्म हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। एक ब्रेक के बाद फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फायर वॉर या दूसरा जो टॉपिक है।